गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 13.1 में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम 8 के आगे के कुछ सम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हम सम जब भी सॉल्व करते थे तब हम एक बात देखते थे, कौन सी बात, कि अगर हमारे पास जो भी हमें लिमिट गिवन है x टेंड्स टू 0 या कोई भी चीज गिवन है, तो हम x टेंड्स टू जो भी गिवन है उसको हम हमारा मेन फंक्शन में रख के देखते थे कि भाई 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रहा, ये 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रहा। अगर 0/0 फॉर्म आता है तब हम उस जो एक्सप्रेशन हमें गिवन होता है उस एक्सप्रेशन का हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं, है ना। अगर 0/0 फॉर्म नहीं आता, ये फॉर्म नहीं आता, तब तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते थे। बट ये फॉर्म अगर आता है 0/0 फॉर्म, तब हम क्या करते थे, उसका उस एक्सप्रेशन का थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते थे। ओके ना, देखो हम क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे तो आपको फिर से थोड़ा सा दिमाग में आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। 9 में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax plus b अपॉन cx plus 1, इस प्रकार का क्वेश्चन है। चलो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें x is equal to, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है इसीलिए हम x is equal to 0 रख के यहां देखेंगे कि ये फॉर्म आता है कि नहीं। अगर ये फॉर्म आता है, 0/0 फॉर्म आता है, तो हम रीअरेंजमेंट करेंगे, बाकी डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। देखो सॉल्यूशन, तो हियर गिवन, जो गिवन है वो ये चीज है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस बी अपॉन cx प्लस 1। ओके, चलो अब हमें क्या करना है, इसमें 0 रख के देखना है, 0 कहां रखना है, x की जगह, तो यहां x है तो यहां 0 आ जाएगा, a into 0 plus b। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा, c की जगह यहां भी 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो क्या होगा, यहां a into 0 यानी 0 plus b upon c into 0 यानी 0 plus 1, यानी क्या आ जाएगा, b upon 1, तो ये हमारा आ गया। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया, है ना, एकदम सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट z टेंड्स टू 1, लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर z रेस टू 1/6 माइनस 1। देखो चलो, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो कि इसको हमें पहले तो z is equal to 1 रख के देखना है कि वह क्या होता है। ओके ना, तो हम यहाँ z is equal to 1 रखेंगे, तो देखो ये चीज क्या हो जाएगी, देखो z की जगह आप 1 रखो तो 1 की पावर 1/3 माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1/6 माइनस 1, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही हो रहता है ऑलवेज, तो ये 1 माइनस 1, नीचे भी क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 यानी 0, तो 1 माइनस 1 यानी 0। तो ये हमें x is equal to, अगर सॉरी z is equal to, आप अगर 1 रखेंगे तब आपको आंसर मिलता है 0/0। इसका मतलब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट। आई बात समझ में, ओके। देखो मैं डायरेक्ट यहां z is equal to 1 करके चेक करता हूं, आप साइड में करना, क्योंकि मैं तो इससे इसको हटा दूंगा, ओके, आपसे नहीं हटेगा क्योंकि आपको क्रॉस करना पड़ेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा, आपको साइड में करना है। ओके, तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे कि हियर लिमिट x टेंड्स टू z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन
z की पावर 1 by 6 minus 1 a put z is equal to 1 denominator and numerator. So we can see easily. तो हम यहां देख सकते हैं. So clearly this expression is 0 by 0. Okay. ये expression है वो हमें क्या form ले रहा है 0 by 0. Okay. So limit z tends to 1 z raised to 1 by 3 minus 1 upon z raised to 1 by 6 minus 1. इसका हमें क्या करना है अब पहले हमें इसका कारण लिखना है. हमें इसका जो ओरिजिनल कारण है ना वो लिखना है कि क्यों हम इसका रीअरेंजमेंट करेंगे. क्यों करेंगे हमें? क्योंकि हमने कहीं देखा कि ये जो हमें फॉर्म गिवन है उसमें मैंने z is equal to 1 पुट किया इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में. तो देखा तो हमें क्लियरली पता चला कि ये फॉर्म है ना वो 0 बाय 0 फॉर्म हमें दे रहा है इस एक्सप्रेशन का. आई बात समझ में? तो अब क्या करेंगे हम इसका हमें रीअरेंजमेंट करना है. अब देखो क्या करना है कि लिमिट में काम करता हूं सोचता हूं कि मुझे डायरेक्ट इसका एक्सप्रेशन का जो अरेंजमेंट ना वो आपको नहीं होगा यहां से डायरेक्ट. तो एक काम करते हैं हम थ्योरम का यूज करते हैं. देखो अब जब भी कहीं पर कंफ्यूज हो कि भाई हमें इसका रीअरेंजमेंट कैसे करना है तब आप थोड़ा सा थ्योरम पे दिमाग चलाना. बट आपके पहले तो माइंड में थ्योरम होना चाहिए है ना. तो इस पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे हम? ये वाला. देखो हमें पता है कि भाई अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a है तब हम लिखेंगे n इनटू a रेस टू n माइनस 1 है ना. ये हमने थ्योरम देखा है. देखो मुझे कैसे आइडिया है मुझे ये थ्योरम यहां यूज करना क्योंकि इसकी पावर जो है ना z की पावर दोनों की वो थोड़ी सी कंफ्यूज कर देने वाली है. ये आपका अरेंजमेंट कहीं पर होने ही नहीं देगा. आई बात समझ में? क्योंकि हमें इस प्रकार की पावर मिल रही है तो हम इस प्रकार का फॉर्म ही यूज कर सकते हैं. वो एक बात दिमाग में रखना. अब समझिए तो इस प्रकार का फॉर्म लाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा अल्टीमेटली? देखना यहां से ध्यान से देखना. तो लिमिट z टेंड्स टू 1 तो है यहां. सॉरी यहां क्या आ जाता है? ये आता है ए यानी कोई भी आप नंबर ले सकते हो. और यहां है z की पावर 1 बाय 3 माइनस यहां जो n है ना वो ही n हमें यहां लाना है. देखो तो 1 की पावर 1 बाय 3 रख लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर हमें इस फॉर्म में देखना है और इसको बनाना है. यहां x माइनस a है ना उसकी पावर n n है दोनों में तो हमें x माइनस a लाना है. z माइनस 1 है तो हमें यहां लिख देना है z माइनस 1. अब देखो मैंने तो यहां से z माइनस 1 लिख दिया डिनोमिनेटर में तो हमें क्या करना है यहां z माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है. अब ये दोनों बन जाएंगे एक ही फॉर्म है ना. अब नीचे की बात करो आप तो यही फॉर्म लाने के लिए z की पावर 1 बाय 6 माइनस 1 की पावर 1 बाय 6 लिख सकते हो. यस नीचे क्या होता है z माइनस 1 ये सब नो. मैंने यहां z माइनस 1 किया तो यहां मैं z माइनस 1 क्रॉस कर दूंगा. आई बस ओके. अब देखो क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी है कि लिमिट को मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूं तो मैं क्या करूंगा यहां तो इन दोनों को सेपरेटली लिमिट दे दूंगा. तो ऐसा होगा देखो सेपरेटली आप लिमिट दे दो तो लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1 बाय 3 माइनस 1 की पावर 1 बाय 3 अपॉन z माइनस 1 और नीचे क्या आएगा लिमिट z टेंड्स टू 1 ये चीज z की पावर 1 बाय 6 माइनस 1 की पावर 1 बाय 6 अपॉन z माइनस 1 और यहां क्या आ जाएगा देखो यहां z माइनस 1 था
और नीचे भी z माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल। ओके, तो अब देखो यहां इसका आंसर मुझे इसके अकॉर्डिंग कैसे लिखना है। देखो कि यहां n नीचे आ रहा है, ये ऊपर क्या है 1 by 3 और a into n raise to sorry n minus 1, तो a के लिए हमें 1 लेना पड़ेगा, 1 by 3 में से 1 को निकाल दो, नीचे भी ये होगा ना 1 by 6, 1 की पावर 1 by 6 में से 1 को निकाल दो। अब ये तो आप जितना भी ले लो आप 1 है तो वो नहीं रहेगा, तो आप यहां लिखेंगे 1 by 3 1 और नीचे आएगा 1 by 6 into 1, तो ये चीज हो जाएगी 1 by 3 cos 6 by 1, यहां से 2 काट देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। क्लियर है बात? ओके, समझ में आ गया? क्लियर? तो पॉज करके इसको लिख लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11, 11 में देखो क्या हो रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 1, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और नीचे है cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। ओके, और जो हमने कंडीशन दी है वो a प्लस b प्लस c दस नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन दी है। चलो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो फर्स्ट तो हमें क्या करना है कि x is equal to 1 रख के देखना है कि 0 by 0 फॉर्म तो नहीं आ रहा, सीधी सी बात है नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन हियर गिवन एक्सप्रेशन जो है क्या है, लिमिट x tends to 1 ax square plus bx प्लस सी, और नीचे आ जाता है ए एक्स स्क्वायर सॉरी सी है ना सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। चलो अब रख के देखो, यहां एक्स टेंड्स टू 1 रख के देखो तो यहां आ जाएगा 1, यानी कि ए एक्स 1 की पावर 4 प्लस बी 1 की पावर सॉरी बी एक्स है ना प्लस सी, और नीचे आ जाएगा सी 1 स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस a, तो ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c, और नीचे भी क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c, तो ये दोनों कैंसिल, आंसर आएगा हमारा। ओके, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में है लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2, देखो लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2 1 upon x plus 1 upon 2, नीचे आ जाता है x plus 2, इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो एक काम करते हैं, देखो यहां आप x tends to minus 2 रख के देखो पहले, तो थोड़ा सा आपको आइडिया आता है, माइनस 2 रखो तो ये हो जाएगा माइनस 1 by 2 और प्लस 1 by 2, नीचे आ जाएगा माइनस टू प्लस टू, यानी ये हो जाएगा जीरो और नीचे भी हो जाएगा जीरो, यानी कि जीरो बाई जीरो फॉर्म हमें यहां मिलता है। इसका मतलब हमें यहां क्या करना पड़ेगा, इसका रीअरेंजमेंट है ना, तो हम यहां लिखेंगे। देखो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ही हमें देख लेना है कि जीरो बाई जीरो फॉर्म आता है कि नहीं, है ना, तो हमें यहां लिखना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 1 upon x plus 1 by 2 upon x plus 2 and put x is equal to, you have to put in x is equal to minus 2 denominator and numerator and numerator. अगर आप x is equal to minus denominator और numerator में रखकर देखेंगे, then the given expression is 0 by
जीरो फॉर्म, जीरो बाय जीरो फॉर्म एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू. देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस टू, एक्स टेंड्स टू माइनस टू, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन टू अपॉन एक्स प्लस टू, इसका हमें अरेंजमेंट करना है. तो कैसे करेंगे हम देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस टू, और एक काम करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं. यहां से टू प्लस एक्स अपॉन टू एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू. चलो तो इसको हम यहां नीचे ला देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस टू एक्स प्लस टू, ये एक्स प्लस टू, और ये नीचे आ जाएगा तो ये टू एक्स हो जाएगा एक्स प्लस टू, ये दोनों कैंसिल. इसका मतलब बचा यहां लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस टू वन अपॉन टू एक्स. चलो एक्स की जगह माइनस टू रख के देखो तो क्या होता है, क्या होता है, लिमिट निकल जाएगी. जब भी आप लिमिट की वैल्यू रख देते हैं तब लिमिट निकल जाती है ना. तो ये हो जाएगा माइनस टू, सॉरी टू इंटू यहां माइनस टू, यानी कि ये हो जाएगा माइनस वन बाय. ओके सिंपल है. चलो आगे देखते हैं. चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन 13 में क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स. देखो अब इस क्वेश्चन में हमें पहले तो हमें एक्स टेंड्स टू जीरो रख के देखेंगे कि क्या होता है. तो यहां रखो एक्स की जगह जीरो, तो ये हो जाएगा देखो साइन, साइन ए इंटू जीरो होगा. देखो साइन ए इंटू जीरो होगा, और नीचे क्या होगा बी इंटू जीरो होगा. लेकिन अब साइन ए इंटू जीरो यानी जीरो ही, और साइन जीरो यानी क्या आ जाएगा जीरो, और बी इंटू जीरो यानी ये भी क्या हो जाएगा जीरो. इसका मतलब यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीअरेंज, क्योंकि आपने देखा कि भाई एक्स टेंड्स टू जीरो मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में देख रख के देखा तो ये तो क्या आता है जीरो बाई जीरो. हम यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन. सो हियर हियर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स इन फोर x is equal to 0 denominator, denominator and numerator. Denominator और numerator में हमने x is equal to 0 रख के देखा. Then 0 by 0 form, 0 by 0 form of given expression, given expression. आप अपनी तरीके से कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ऐसा जरूर नहीं कि मैंने जो लिखा वो ही आप लिखो. अपनी तरीके से बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस एक्सप्रेशन में हमें x is equal to 0 रख के देखा तो हमें मिल रहा है 0 by 0 form. ओके ये परसेंटेज नहीं, ये परसेंटेज जैसा लग रहा है वो परसेंटेज नहीं है, 0 by 0 form है इस एक्सप्रेशन का. ओके देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन bx इज इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा रीअरेंजमेंट में. देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax, नीचे में ax लिख देता हूं और मल्टीप्लिकेशन पे ax कर देता हूं, और यहां नीचे नीचे क्या है हमारा bx. देखो थोड़ा सा मैंने क्या किया, यहां से रीअरेंजमेंट करने की कोशिश की कि यहां sin ax है ना, तो इसके नीचे में ax ला दूं तो मुझे इस प्रकार का जो मेरे पास थ्योरम है उसका यूज कर सकता हूं. देखो sin सॉरी लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1. देखो अपने थ्योरम है कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि sin ax है
तो मुझे नीचे ax लाना पड़ेगा। यहां x था तो यहां मैंने x लाया, यहां हमारे पास ax है तो मैंने यहां ax लिख लिया। जो मैंने यहां नीचे लिखा उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये दोनों टेंशन हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा फॉर्म यही रहता है। ओके ना, अब देखो एक काम करता हूं, इस फॉर्म को मैं यहां से नहीं पर यहां लिख देता हूं इसके साथ ही, तो भी चलेगा ना। देखो bx है ना, ये bx तो नीचे ही है। ओके, तो अब इसको मैं यहां ले ला देता हूं, इसको मैं अकेला कर देता हूं। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax क्रॉस ax अपॉन bx है ना, तो ये दोनों तो कट हो जाएगा। ओके, तो यहां ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर निकल जाएगा a अपॉन b, और इसका आंसर आएगा 1 आएगा कि नहीं, बिकॉज़ करके ये लिख दो सीधी सी बात। ओके, तो इसका आपको आंसर मिलेगा a अपॉन इजी। चलो अब क्वेश्चन देखो, 14 नंबर का क्वेश्चन। देखो ये भी इसके जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन bx sin ax अपॉन sin bx sin bx और a and b does not equal to 0। अब इसका सॉल्यूशन आप मुझे लिखवाओ भाई कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो हम जीरो रख के ही देखेंगे, फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही है ना, तो रखो x टेंड्स टू 0 यहां, तो a की जगह आप जीरो रखेंगे तो साइन जीरो हो जाएगा, नीचे साइन ये भी जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगा, तो ये एज इट इज लिख देना इतना। ओके, इतना एज इट इज यहां लिख देना, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे सॉल्यूशन में रीअरेंजमेंट से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब यहां लिखेंगे कि भाई लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx इज इक्वल टू, मुझे पता है कि यहां मुझे कौन सा थ्योरम यूज करना है, कौन सा थ्योरम यूज करना है भाई, ये थ्योरम है ना, क्योंकि इसके जैसा कोई थ्योरम है तो वो ये ही है वन एंड ओनली, और दूसरा कोई रीअरेंजमेंट इसका पॉसिबल नहीं है। तो मुझे इस प्रकार का थ्योरम यूज करना है, तो एक मुझे साइन ax है ना उसके नीचे मुझे a लाना पड़ेगा, और ये साइन bx है उसके नीचे मुझे b लाना पड़ेगा, तो लिमिट को हम कहीं पर भी ला ले जा सकते हैं, वो आपको और मुझे दोनों को पता है। ओके, तो एक काम करता हूं, ये फॉर्म लाने के लिए मैं लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखो मैं क्या करता हूं, ये जो साइन ax है ना इसके नीचे मैं ax ला देता हूं, और ax से मैं क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो ओके, अब नीचे की बात करता हूं, नीचे की बात करो, ये साइन bx है ना इसके नीचे मैं bx ला लूंगा, और bx से मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन। ओके, बात खत्म हो गई, देख लो इसका रीअरेंजमेंट खत्म हो गया, और यहां हमारा आंसर आ गया। देखो क्या होगा कि भाई आप बोलेंगे कि इन दोनों को मैं अलग अलग लिमिट दे देता हूं। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax। ओके, और हम इसको दे देते हैं लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin bx अपॉन bx। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन की ax और यहां बचा bx, इसको मत भूल जाना, ये हमारे साथ ही ax और bx, क्योंकि ये तो 0 हो जाए ये तो 1 हो जाए, अल्टीमेटली आंसर हमें इसमें से ही मिलता है। सब क्वेश्चन में देख लेना एक बार, आंसर जो है ना इसमें से ही मिलता है, अगर ये लिखने में आप गड़बड़ करेंगे तो आपका आंसर गलत ही आएगा। चलो ये दोनों कैंसिल। ओके, ये a और b ये दोनों तो बाहर निकल गए क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहां मैंने देखा तो ये तो फॉर्मूला बन गया भाई हमारा, कौन सा फॉर्मूला, ये देख लो कि अगर लिमिट
अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x है तो हम आंसर लिखेंगे 1, तो यही तो है चीज है, तो हम यहां लिखेंगे 1 और यहां भी लिखेंगे 1। ओके, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया है भाई। ओके, एकदम सिंपल है कि नहीं? तो आज का सेशन में यहां स्टॉप करूंगा, आगे के वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो।